चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निगेटिवली चार्ज वाइल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी बाय अप्लाइंग अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड टेन, हाँ अच्छा 100 वोल्ट पर मीटर। इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज 1.6 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग बाय द ड्रॉप। अच्छा सबसे पहले दो प्लेट्स हैं, ऐसे समझ लो दो प्लेट्स हैं, करेक्ट है, दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में एक जो है निगेटिवली चार्ज बॉडी है, माइनस क्यू चार्ज है। अच्छा अर्थ इसको खींचे कि इसका मास अगर एम मान लिया जाए तो अर्थ इसको एम जी फोर्स लगा खींचेगी। अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिवली चार्ज कर दूं प्लेट को और नीचे को निगेटिवली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो निगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू क्यू इंटू ई होती है। अच्छा तो ये फोर्स और ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स अगर एक दूसरे को नल एंड वॉइड कर देंगे यानी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस का इफेक्ट जीरो होगा, यानी ये चार्ज रुका रहेगा। यही तो कह रहा है प्रिवेंट फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, नीचे गिरने से रोक रहा है। तो चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्यू इंटू ई और ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू एम इंटू जी। तो यहां पर क्यू की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है एन, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई होगा, ये वैल्यू यहां रखते हैं एन इंटू ई इंटू कैपिटल इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एन पता करना है, तो एम जी अपॉन ई कैपिटल ई। एम की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया, 1.6 × 10⁻³ ग्राम में है ना, तो इसको ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10³ है तो 10⁻⁶ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100, ये रख दिया हमने 100, 1.6 से 1.6 कटा, ये आया 10⁻⁵ इंटू 10⁻¹⁹ +17 होगा, तो 10⁻½ आना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻½, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।